दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज की टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और कप्तान सूर्य कुमार यादव की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि सिलेक्टर्स ने न जाने क्या सोचकर ये टीम बनाई है। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के ठीक बाद टीम इंडिया को 8 नवंबर से साउथ अफ्रीका दौरे पे 4 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है और BCCI के सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने इस T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक सूर्य कुमार यादव इस T20 सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान है। टीम में यूं तो कई बड़े नाम है लेकिन इस टीम को अगर देखा जाए तो ये टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है क्योंकि न जाने सेलेक्टर्स ने आखिर क्या सोचकर इस टीम का चयन किया है। टीम में से कई बड़े नाम गायब है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही युवाओं पर भरोसा कर लिया गया है। तो आखिर कैसे है साउथ अफ्रीका के लिए चुनी गई सेलेक्टर्स की ये टीम और आखिर क्यों सूर्य कुमार यादव के लिए ये सीरीज अपने आप में एक अग्नि परीक्षा रह सकती है, चलिए जानते हैं। तो पहले तो नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुनी गई टीम इंडिया की। तो आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने 15 सदस्यों टीम का चयन किया है जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव है। तो वही टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा बतौर विकेट कीपर होंगे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, आकाशदीप, विजय कुमार बेसाक, अवेश खान और यश दयाल को मौका दिया गया है। रमनदीप सिंह को इमर्जिंग एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए अपनी ताबड़तोड़ पारी का इनाम मिला है। IPL में रमनदीप कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलते हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती को भी श्रीलंका T20 सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद एक बार फिर T20 सीरीज के लिए टीम में मौका दिया गया है। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका दौरे पर चुनी गई टीम में ना तो मयंक यादव है ना ही शिवम दुबे क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ही चोट के कारण टीम चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा सेलेक्टर्स ने रियान पराग को भी चयन के लिए नहीं चुना है क्योंकि रियान पराग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी दाहिने कंधे की चोट के लिए रिहैब के लिए जाएंगे। वही कुलदीप यादव को भी अपनी पुरानी जांघ की चोट के लिए रिहैब के लिए मद्देनजर रखते हुए NCA में भेजा गया है। अब एक बार नजर डालते हैं टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे के शेड्यूल पे। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में अपना पहला T20 मैच 18 नवंबर को डरबन में खेलेगी। वही दूसरा T20 10 नवंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। वही तीसरा T20 सेंचुरियन में 13 नवंबर को होगा जबकि चौथा T20 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो T20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर के टेस्ट सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा है। टीम के अंदर ऋषभ पंत नहीं दिखेंगे, टीम में यशस्वी जायसवाल नहीं दिखेंगे, टीम में और भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि अमूमन T20 स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स ने कहीं न कहीं सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के अनुभव पर ही भरोसा जताया है। उन्हें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका में उन्हें यह टीम जीत दिला सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह टीम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर T20 फॉर्मेट में हराने का दमखम रखती है? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी इस बार कामयाबी की इबारत लिख पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।